नेशनल ट्रेजर के कैरेक्टर्स का नाम अमेरिका के किन फाउंडिंग फादर्स पर रखा गया था? इस मूवी में दिखाया हुआ $100 का कौन सा डिटेल था जिसे इस मूवी के रिलीज होने के बाद एक्चुअली रियल लाइफ में चेंज कर दिया गया? इन मूवीज की बताई हुई हिस्ट्री में और रियल लाइफ हिस्ट्री में आखिर कितनी सच्चाई थी और कितनी चीजें एक्चुअली गलत थी? और आखिर नेशनल ट्रेजर 3 क्यों हमें देखने को नहीं मिली और ये हमें कब देखने को मिल सकती है? निकोलस केज के नेशनल ट्रेजर का भी अपना एक बहुत बड़ा फैन बेस है और उसी फैन बेस में से हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने हमें कई बार कमेंट्स में इस टॉपिक को हमें सजेस्ट किया था। तो आज आप सबके लिए चलिए जान लेते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द नेशनल ट्रेजर मूवीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्फिश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल ट्रेजर मूवी को क्रिएट करने की शुरुआत 1999 में हुई थी, जहां पर ये बेसिकली एक कंबाइंड आइडिया था डिज्नी के मार्केटिंग हेड ऑरिन अवेव और ड्रीमवर्क्स के टेलीविजन एग्जीक्यूटिव चार्ल्स सीगर्स का, जिसके ऊपर 1997 तक जिम कॉफ ने एक स्क्रिप्ट भी डिजाइन कर ली थी और इसी स्क्रिप्ट पर 1999 से जॉन टर्टल टैब एक मूवी बनाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन ये मूवी 4 साल तक प्रोडक्शन में झूलती रही, जहां पर स्क्रिप्ट को फर्दर डेवलप करने के लिए तकरीबन 9 स्क्रीन राइटर्स को हायर किया गया था, जिसमें से फाइनली हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी मैरियन एंड कॉर्मिक पीबर्ली के फाइनल ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया गया और इस मूवी की फिल्मिंग साल 2003 में शुरू हुई। अब जैसा कि इस मूवी के अंदर अमेरिकन हिस्ट्री को ट्रिब्यूट दिया गया था, यहाँ पर थ्रू आउट द मूवी कैरेक्टर्स के साथ अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स का एक ट्रिब्यूट दिया गया है, जहाँ पर मूवी के कैरेक्टर्स बेन का नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन पर रखा गया था, पैट्रिक का नाम पैट्रिक हेनरी पर रखा गया था, वहीं पर जॉन गेट्स का नाम जॉन एडम पर रखा गया था, वहीं पर एबिगेल चेस एबिगेल एडम जो कि जॉन एडम्स की वाइफ थी और सैमुअल चेस जिन्होंने अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पे साइन किया था, उनके नामों का एक कॉम्बिनेशन था। मूवी के अंदर इस बात को बताया गया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्चुअली एक फ्री मेसन थे, जो रियल लाइफ के हिसाब से भी काफी ज्यादा सही था, जहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ साथ बाकी दूसरे फाउंडिंग फादर्स भी एक्चुअली फ्री मेसन थे और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन करने वाले 55 में से 9 लोग एक्चुअली इसी फ्री मेसन ग्रुप का हिस्सा थे, जहां पर इस ग्रुप का हिस्सा वो तकरीबन 60 सालों तक थे और वो इस ग्रुप के सबसे हाईएस्ट रैंक्स पर भी गए थे। और जब बात बेंजामिन फ्रैंकलिन की आ रही है तो बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन फेमसली $100 बिल्स के अंदर भी दिखते हैं और $100 नोट की अहमियत मूवी के अंदर भी दिखाई गई थी, जहां पर उस नोट में छुपे क्लॉक टावर के अंदर मूवी के अंदर 2:22 का समय दिखाया गया था, जो उस समय चल रहे सर्कुलेटेड $100 के हिसाब से रियल लाइफ में भी काफी एक्यूरेट था। बट हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग को ये बात शॉकिंग लगी कि साल 2009 में इस समय को चेंज किया गया 10:30 बजे, और यही चीज बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। मूवी के अंदर बताया गया था कि चार्ल्स कैरल भी एक मेसन थे, जो बेसिकली अकेले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के एक कैथोलिक साइनर थे, बट सच्चाई यहाँ पर कुछ और है। और उस जमाने के नियमों के हिसाब से कैथोलिक चर्चेस अपने मेंबर्स को मेसन ग्रुप का हिस्सा बनने से रोकती थी, जिसके कारण चार्ल्स कैरल का रियल लाइफ में मेसन होना मूवी के अंदर गलत दिखाया गया था। लेकिन सच तो ये है कि रियल लाइफ में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री है, जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ही सेफ तरीके से रखती है। ऐसे में मूवी के अंदर रियल लाइफ के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास भी शूटिंग करना पूरी तरह से मना किया गया था। ऐसे में मूवी के अंदर पूरे के पूरे डिक्लेरेशन हॉल को कैसे दिखाया गया? वेल, इसके लिए नॉट बेरी फार्म के वॉल्टर नॉट जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक्चुअली पूरे के पूरे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का पूरा ब्रिक टू ब्रिक रेप्लिका अपनी जमीन ब्यूरो पार्क कैलिफोर्निया के अंदर 1960 में बनाया था, और यहीं पर निकोलस केज के हॉल में दौड़ने वाले सीक्वेंस को शूट किया गया था। अब कभी कभार मूवीज लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा कीड़ा डाल देती हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट फिर भी बहुत सारे लोग रियल लाइफ में इस चीज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जहां पर 2012 की एक वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल आर्काइव्स के कई सारे गार्ड्स और एस्कॉर्ट्स ने इस बात को रिवील किया था कि कई बार उन्हें ऐसे विजिटर्स का भी सामना करना पड़ता है जो एक्चुअली इस मूवी से इंस्पायर होकर कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और वो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि क्या यहां पर कोई सचमुच सीक्रेट मैप है भी या नहीं।
लेकिन जो रियल लाइफ में सच है उसकी बात कर लेते हैं। वेल, जैसा कि इस मूवी के अंदर दिखाया गया था कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे कुछ लिखा हुआ था, वेल एक्चुअली रियल लाइफ में भी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे कुछ लिखा जरूर है, बट वो इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मूवी के अंदर दिखाया गया था। और यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे उल्टी तरफ छोटा सा साइड में लिखा हुआ है, ओरिजिनल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डेटेड 4th July 1776, जो माना जाता है कि इसे इस डॉक्यूमेंट के इनिशियल ईयर्स में ही लिखा गया होगा। और इस राइटिंग की वजह से इस पेपर को फोल्ड करके रोल कर पाना और उसे स्टोर कर पाना काफी आसान हुआ होगा। वहीं पर अगर फाइनली पहली मूवी की फिल्मिंग की बात की जाए तो इस मूवी को अमेरिका के वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और यूटा में शूट किया गया था, जहां पर कई सारी शूटिंग ऑन लोकेशन हुई थी, बस उस इंडिपेंडेंस हॉल वाले सीक्वेंस को छोड़ के जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जिस लिबर्टी बेल को दिखाया गया था, बिहाइंड द सीन बेसिकली उसे स्टायरोफोम से बनाया गया था, और लिबर्टी बेल वाले सीक्वेंस को रियल लिबर्टी बेल के वहां पर रखे जाने से कुछ दिन पहले ही शूट कर लिया गया था। अब भले इन मूवीज ने कोई खास इम्पैक्ट डाला हो या ना डाला हो, लेकिन लोगों के बीच में नेशनल आर्काइव्स को लेकर क्यूरियोसिटी जरूर जगाई है, जहां पर बेसिकली नेशनल ट्रेजर के सीक्वल आने के बाद साल 2007 में इसी अकेली मूवी की वजह से वॉशिंगटन डीसी में मौजूद नेशनल आर्काइव्स की लोगों की विजिट करने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसने एक्चुअली नेशनल आर्काइव्स की टूरिज्म को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाया था। वहीं पर अगर बात की जाए सेकंड मूवी की फिल्मिंग की, तो इस मूवी के बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स को हिस्टोरिक लोकेशंस पे ही फिल्म किया गया था, जिसमें माउंट वर्नॉन और माउंट रशमोर के कई सारे सीन्स को इंक्लूड किया गया था, जिसकी वजह से ही लोकल हाई स्कूल प्रॉम जो यहीं पर होने वाला था इसे डिले करना पड़ा था, जिसके कारण डिज्नी ने इस डिले को अपनी तरफ से संभाला और इस प्रॉम के खर्चे को अपनी तरफ से दिया, जिसमें नई लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्राइजेस और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी शामिल थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इंग्लैंड के बकिंगम पैलेस में भी इस मूवी की फिल्मिंग हुई है। लेकिन वहीं पर इस मूवी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड वाले सीन से एक रात पहले यहाँ पर एक्चुअली आधी इंच बर्फ गिरना चालू हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर मूवी के सीन के हिसाब से फायर होजेस का इस्तेमाल करके बर्फ को इंटेंशनली गलाना पड़ा था, जिसके अंदर मैकेल्डन मॉल और उसके आसपास के कई सारे लोकेशंस थे, क्योंकि मूवी के अंदर कहानी स्प्रिंग के मौसम की है। वहीं पर अगर बात की जाए सेकंड मूवी में दिखाए हुए कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो उनमें से कई सारी रियल वर्ल्ड की सच्चाई को दिखाया गया है। जिन HMS रेजोल्यूट डेस्क्स का जिक्र किया गया था, इसे एक्चुअली अमेरिका की ओवल ऑफिस और बंकिंगम पैलेस के अंदर रखा गया है, वो सचमुच एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें सचमुच HMS रेजोल्यूट से ही बनाया गया था। बट रियल लाइफ में ये सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन है, जिसमें से तीसरा भी क्वीन विक्टोरिया के पास था, जिन्होंने इसे अपनी यार्ड के अंदर रखवाया था। इसके साथ साथ यहाँ पर नाइट ऑफ द गोल्डन सर्कल्स भी एक्चुअली एग्जिस्ट करता था, और एक्चुअली सचमुच एक और स्टैचू ऑफ लिबर्टी आईफल टावर के पास है। इसके साथ साथ मूवी के अंदर बताया हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन का माउंट वर्नॉन में घर, उसके नीचे सचमुच सीक्रेट टनल्स मौजूद थी, और एक्चुअली जॉन विक्स बूथ की डायरी से कई सारे पेजेस रियल लाइफ में गायब थे। बात करें अगर मूवीज के कलेक्शन की, तो पहली मूवी को एक्चुअली $100 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, और इस बजट पर इसने अपनी ओपनिंग डे पर $11 मिलियन के साथ ओपनिंग की थी, जहां पर तीन हफ्तों तक इसने नंबर वन स्पॉट बनाए रखा और इसने टोटल वर्ल्ड वाइड $347 मिलियन कमाए। वहीं पर अगर बात की जाए सीक्वल के बारे में, तो इस मूवी को $130 मिलियन के बजट के साथ बनाया गया था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $459 मिलियन कमाए। फाइनली अगर बात की जाए इस मूवी सीरीज के फ्यूचर के बारे में, तो 2008 में जॉन टर्टल टैब ने इसके तीसरे सीक्वल के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, और प्रोड्यूसर जेरी बुकहाइमर ने सितंबर 2008 तक इस मूवी को कंफर्म भी कर दिया था, और अपेरेंटली साल 2010 तक इसकी स्क्रिप्टिंग पूरी भी हो चुकी थी, और साल 2016 में निकोलस केज ने अपनी वापसी की कंफर्मेशन भी दी थी, लेकिन जनवरी 2020 से ये मूवी डेवलपमेंट हेल में अटक चुकी थी और साल 2022 तक इसकी स्क्रिप्ट में काम नहीं किया गया था। अल्टीमेटली इस मूवी सीरीज को डिज्नी ने एक टीवी सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, बट अब भी अपेरेंटली थर्ड मूवी के आने की उम्मीदें बाकी हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप नेशनल ट्रेजर के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप मेरे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।